खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में चर्चा होगी मोदी की बाटला स्ट्राइक की। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4 रैलियां की और पूरी तरीके से अगर आप उस पर गौर फरमाए तो फोकस में राष्ट्रवाद रहा। वो कैसे आप इसे समझिए, मेरी बाईं तरफ जो स्क्रीन है आप देखिए क्या है, दरअसल क्या बातें इसमें सामने आ रही हैं। राष्ट्रवाद की चुनावी राह पर मोदी पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया गया, आतंकियों की मौत के आंसू के बारे में बात की गई, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम लेकर उस पर निशाना साधा गया, हिंदू आतंकवाद का जिक्र हुआ, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक तक की बात हुई रैली में, सुबूत शब्द के जरिए निशाना साधा गया। अब इसके पीछे वजह क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। आखिर ऐसा क्यों रहा प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में राष्ट्रवाद पर पूरी तरीके से फोकस के पीछे वजह क्या है, आप अब इस स्क्रीन को देखिए मेरी दाईं तरफ। भाषण का जो सियासी समीकरण है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं इन आंकड़ों की जुबानी। अररिया की मैं अगर बात करूं 44% यहां मुस्लिम वोटर हैं, सुपौल में 20% मुस्लिम वोटर हैं और बिहार की सीमा से बिल्कुल आप देखिए यहां बगल में पश्चिम बंगाल, यानी ये जो पूरा इलाका है इसे साधने का प्रयास किया गया राष्ट्रवाद की बातें कहकर। इसके पीछे एक और खास वजह है, इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 2014 चुनाव की अगर मैं बात करूं इस फेस की सभी 5 सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था, यानी चुनौती बड़ी है यहां पर एनडीए के लिए। और साध्वी प्रज्ञा वाले बयान का विवाद भी चल रहा है, हेमंत करकरे को लेकर जो बातें उन्होंने कही परिपेक्ष में दरअसल ये चीज भी है। ऐसे में हम इसे क्यों कह रहे हैं आखिर मोदी का बाटला स्ट्राइक, देखिए ये मुकम्मल रिपोर्ट। एक तरफ वोट भक्ति की राजनीति है तो दूसरी तरफ देशभक्ति की। इधर फिर एक बार हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। स्पीड ब्रेकर दीदी को आप समझ आ जाएगा। अब तो उनको चिंता है, पहले जितने पार्लियामेंट में थे वो भी पहुंच पाएंगे कि नहीं इसकी फिराक में है। चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए मोदी ने आज बड़ा मोर्चा संभाला। फिर एक बार 4 रैलियां कर मोदी आज बोले और खूब बोले। सबसे पहले सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों पर हमला किया। घुस करके मारना ठीक ठाक नहीं था, एक घुस करके मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। आप खुश हैं ये आपका चौकीदार सही कर रहा है? नए हिंदुस्तान के नए तेवरों से आप संतुष्ट हैं? एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर वार किया। भाई और बहनों, आपने देखा होगा चुनाव शुरू होने से पहले जो लोग उछल उछल करके बोल रहे थे, सबूत मांग रहे थे, मोदी का जवाब मांग रहे थे, 2 चरण के मतदान के बाद उनका चेहरा ऐसा ढीला पड़ गया। शहादत के अपमान का सवाल उठा तो उसके जवाब में बाटला हाउस एनकाउंटर की याद दिला दी। जब दिल्ली के बाटला हाउस में हमारे वीरों ने आतंक के एक मॉड्यूल को खत्म किया था, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई से खुश होने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की आंख में आंसू आ गए थे। पश्चिम बंगाल में गरजे तो ममता दीदी पर बरसे। स्पीड ब्रेकर दीदी को आप 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। बिहार पहुंचे तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को लपेटे में ले लिया। कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जयकारा पर भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं।
उनको दर्द होने लगता है, जिन्हें भारत माता से दिक्कत होगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो भारत के विकास के लिए साधना भी कैसे कर पाएंगे। और आखिर में बारी आई यूपी की, तो महागठबंधन पर करारा वार कर दिया। दो चरणों के मतदान के बाद जो लोग उछल उछल करके मोदी को गाली देते थे, उनका चेहरा इतना हो गया, उनकी आवाज दब गई है, नींद उड़ गई है। बलूर घाट के बुनियादपुर से मोदी ने शनिवार की सियासी रैली का अपना शो शुरू किया, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात मोदी ने कही वो बिहार के अररिया में कही। दिल्ली के बाटला हाउस में हमारे वीरों ने आतंक के एक मॉड्यूल को खत्म किया था। मोदी के इस मंच पर नीतीश भी थे और पासवान भी। मंच से मोदी ने सबसे पहले तो तपती धूप में सुनने आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर, सब चौकीदार पर बना रहे, इसी कामना के साथ मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं भाग्यशाली, इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में लोग, आप इस ताप में जो तप रहे हैं, ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। और फिर बयानों के जो गोले विरोधियों पर दागने शुरू किए, उसकी गूंज 23 मई यानी काउंटिंग के दिन तक सुनाई देने वाली है। दिल्ली के बाटला हाउस में हमारे वीरों ने आतंक के एक मॉड्यूल को खत्म किया था, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई से खुश होने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की आंख में आंसू आ गए थे। क्या ये उस शहीद का अपमान नहीं था जिसने बाटला हाउस में आतंकियों को घर में घुस करके मारा था? दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र कर मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। यूपीए के जमाने में आतंकियों से दिल्ली में एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे, लेकिन तब कांग्रेस के नेताओं ने आतंकियों के लिए सहानुभूति दिखाई थी। सलमान खुर्शीद से लेकर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता बाटला हाउस के आतंकियों के पक्ष में खड़े हो गए थे। सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीरे आजम से बात करो। हमने वजीरे आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा। खुर्शीद के इस बयान ने तब कांग्रेस को काफी परेशान किया था। बाद में बाटला के आतंकी को सजा भी मिली। मोदी ने ये मुद्दा ऐसे वक्त में उठाया है जब भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन मोदी ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर का जिन्ह बाहर निकालकर कांग्रेस नेताओं की देशभक्ति पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। मैं नहीं कह सकता कि सही एनकाउंटर है कि गलत एनकाउंटर है, इतना जरूर है कि एक लड़के के सिर पे 5 गोली सर पे लगी है। इनकाउंटर में यहां गोली लगना एक अमूमन तौर पर संभव नहीं लगता है, और इसके लिए मैं और सलमान खुर्शीद साहब, कपिल सिब्बल साहब के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उनसे जांच कराने की मांग की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जांच ह्यूमन राइट्स कमीशन को सौंपी थी। लेकिन मोदी आज बाटला हाउस पर ही नहीं रुके, मुंबई हमले का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि वोट भक्ति के लिए दुश्मनों पर कार्रवाई के बजाय हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया था। साथियों, आज देश के
एक तरफ वोट भक्ति की राजनीति है तो दूसरी तरफ देशभक्ति की। आप याद कीजिए 26/11 को मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था तो कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने क्या किया था। तब देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सेना को कुछ भी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। साथियों, सबको पता था कि आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। मुंबई हमला और बाटला हाउस का जिक्र करके मोदी कांग्रेस को घेरते हैं तो लगे हाथों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का श्रेय भी ले लेते हैं। कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जयकारा पर भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है। जिन्हें भारत माता से दिक्कत होगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो भारत के विकास के लिए साधना भी कैसे कर पाएंगे। इसके बाद मोदी अपनी बात पर वहां मौजूद लोगों से मुहर भी लगवाते हैं। भाइयों बहनों, ये घुस करके मारना ठीक ठाक नहीं था, ये घुस करके मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आप खुश हैं? आप खुश हैं? ये आपका चौकीदार सही कर रहा है? नए हिंदुस्तान के नए तेवरों से आप संतुष्ट हैं? भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा चुनाव शुरू होने से पहले जो लोग उछल उछल करके बोल रहे थे, सबूत मांग रहे थे, मोदी का जवाब मांग रहे थे, दो चरण के मतदान के बाद उनका चेहरा ऐसा ढीला पड़ गया, ऐसा ढीला पड़ गया। और भांति भांति के सवाल खड़े करने वाले लोग, सबूत मांगने वाले सबूत नहीं मांग रहे, एयर स्ट्राइक का जवाब मांगने वाले वो भी चुप हो गए, बम गिरा था कि नहीं गिरा ये भी पूछना बंद कर दिया, बम ने आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा ये भी पूछना बंद कर दिया, कितने आतंकवादी मरे थे, इतने मरे कि उतने मरे, ये भी पूछना बंद कर दिया। ये उनकी बोलती बंद किसने की? इस रैली में मोदी ने जो कुछ कहा वो इस चुनाव की तस्वीर को बदल सकता है। बीजेपी विरोधियों को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ सकती है, क्योंकि मोदी आज पूरे रंग में है और रंग ऐसा कि रैली में मौजूद लोगों को भी उसमें रंग लेते हैं। बिहार के अलावा मोदी ने आज बंगाल और यूपी में भी रैली की, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग, बाटला एनकाउंटर, मुंबई हमला, हिंदू आतंकवाद, सबूत और एयर स्ट्राइक का जिक्र कर विरोधियों को घेरा है, उससे इस चुनाव में विरोधियों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मोदी राष्ट्रवाद के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं उससे बेहतर इस पिच पर और कोई खेल नहीं सकता।